भंडार गांव में एक अत्यंत ही गरीब महिला की मौत। बेटी ने दी मां की चिता को मुखाग्नि। मुखिया ने सरकारी सहायता प्रदान कराने के लिए दिया आश्वासन। धुरकी थाना क्षेत्र के भंडार पंचायत की एक 40 वर्षीय विधवा महिला जौत्री देवी की मौत शुक्रवार को। इलाज के अभाव में उसकी तबीयत बिगड़ी और घर में ही उसकी मौत हो गई। वहीं उक्त महिला भुइयां जाति की दलित वर्ग की है, जो अत्यंत ही गरीब और असहाय बताई जाती है। उक्त महिला का एक बेटा और 3 बेटी हैं, जिसमें 2 बेटियों की शादी भी हो चुकी है और इकलौता बेटा 18 वर्ष का सकेंदर भुइयां काम करने चेन्नई चला गया है। वहीं इधर उक्त महिला की मौत होने के बाद उसके बेटे की अनुपस्थिति में मृतक महिला की छोटी बेटी 15 वर्षीय सरिता कुमारी ने अपनी माँ की चिता को मुखाग्नि दी। इधर महिला की मौत की सूचना मिलने के बाद मुखिया सह मुखिया संघ के अध्यक्ष रघुनाथ सिंह, ग्रामीण राम प्रवेश राम सहित अन्य कई लोग मृतका के घर पहुंचे। मुखिया और ग्रामीणों ने बताया कि मृतक महिला जौत्री देवी अत्यंत ही गरीब है तथा विगत 15 वर्ष पहले उसके पति अवतार भुइयां काम करने बाहर चले गए हैं। तब से लेकर अब तक उनका भी कोई अता पता नहीं है। इधर उक्त मृतक महिला का इकलौता बेटा 18 वर्षीय सकेंदर भी काम करने चेन्नई में चला गया है। वहीं बेटा को घर पर नहीं रहने के कारण स्थानीय ग्रामीणों की मदद से महिला की छोटी बेटी के द्वारा मां की चिता को मुखाग्नि दिलाई गई। मुखिया ने कहा कि मृतक महिला की छोटी बेटी और एक बेटे को वह हर संभव सहायता करने के लिए तैयार हैं।